हर पापड़ी के धार महानदी है अपार। साथियों, हमारा YouTube चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में लॉगिन होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको टीम में जाकर के आपको शिक्षक मार्क इंचार्ज करना है, अर्थात आपको वहां पर जाकर ऑनलाइन विभागों का बंटवारा शिक्षकों को करना है। जो शिक्षक छात्रवृत्ति प्रभारी होगा उसी के द्वारा ही आप छात्रवृत्ति पोर्टल में लागू हो सकते हैं, उसी की आईडी से। तो इसलिए आपको टीम में जाकर आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनको आपको विभागों का बंटवारा करना बहुत ही जरूरी है। जिस दिन से आप विभाग का बंटवारा ऑनलाइन करेंगे उसी दिन से वह एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप सबसे पहले विभागों का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे। उसके लिए आपको आपके विंडो ब्राउजर में टीम सीजी टाइप करनी है और ये वाला जो लिंक है shiksha.cg.nic.in/cgteamsschool/ को क्लिक करनी है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आप टीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जिसमें आपको यूजर लॉगिन दिखा होगा, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। यूजर आईडी में आपको आपके विद्यालय का डाइस कोड डालनी है, जो मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूं। डाइस कोड डालने के बाद नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया था। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नीचे में आपको कैप्चा कोड लिखना है जो लाल रंग से दिख रहा है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको लॉगिन को क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक करेंगे साथियों, आप टीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे, जिसमें आपकी स्कूल की संबंधित जानकारी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से लेफ्ट साइड में बहुत सारे मेनू बार बने हुए हैं साथियों, उसमें ये देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारे मेनू बार बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है मार्क इंचार्ज। साथियों, जैसे ही आप अपने सीजी टीम्स में की वेबसाइट पर लॉगिन होंगे तो आपके स्कूल की जानकारी कुछ इस तरह से प्रदर्शित होने लगेगी, जिसमें लेफ्ट साइड में बहुत सारे मेनू बार दिए गए हैं। उसमें आपको मार्क इंचार्ज में आना है और मार्क इंचार्ज को क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्क इंचार्ज को क्लिक करेंगे उसके नीचे दो ऑप्शन आएगा, इसमें पहला है मार्क करें और दूसरा है मार्क देखें। उसमें आपको मार्क करें को क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्क क्लिक करेंगे आपकी होम स्क्रीन कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगी, जिसमें आपके स्कूल का यूडाइस कोड और आपके हेड मास्टर का नाम पहले से फिलअप होगा और नीचे में ये इंचार्ज बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, MDM इंचार्ज, अटेंडेंस इंचार्ज, स्कॉलरशिप इंचार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज और DDO इंचार्ज। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। साथियों, स्कॉलरशिप ऑनलाइन एंट्री के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रभारी की ऑनलाइन एंट्री करना अनिवार्य है। जिस किसी टीचर को आप यह प्रभार देंगे उसी की लॉगिन आईडी से ही स्कॉलरशिप की वेब पोर्टल में आप लॉगिन हो सकेंगे, इसलिए आपको स्कॉलरशिप की प्रभार किसी शिक्षक को देना अनिवार्य है। वैसे तो आपको ये सभी प्रभार आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनको बांटना है। बांटने के लिए सबसे पहले आपको ये वर्गाकार डिब्बे को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो टीचर का नाम आपके सामने इनेबल हो जाएगा। टीचर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके संस्था में जितने भी टीचर कार्यरत है उनके नाम नीचे आ जाएगा। उनमें से आपको उस टीचर को सेलेक्ट करना है जिसको आप वह प्रभार देना चाहते हैं। इस प्रकार से
जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वह जानकारी चली जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्कॉलरशिप इंचार्ज में मैंने अपना नाम सेव कर दिया है। इस प्रकार से इसको आपको क्लिक करना है और ये आपको नाम चयन करके उसको आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सुरक्षित करें बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप सुरक्षित करें बटन को क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड आपका सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा। पुनः आपको उसी मेनू में आना है, मार्क इंचार्ज में, और मार्क इंचार्ज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे में लिखा है मार्क, देखिए उस मार्क देखे को आपको क्लिक करना है कि जो जानकारी आपने सेव की है वह सेव हुई है कि नहीं। जैसे ही आप मार्क इंचार्ज को क्लिक करेंगे तो आपके सामने शिक्षक, शिक्षक में आपको शिक्षक चयन करना है। ये देखिए मेरे संस्था में 3 शिक्षक है, तीनों का नाम दिखाई पड़ रहा है। ये मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया, चरण दास महान। फिर मैंने सर्च किया, जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, साथियों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नया कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए दोस्तों, टीचर का नाम और इंचार्ज में लिखा हो गया है स्कॉलरशिप और किस डेट से एक्टिवेट हुआ है, ये लिखा है दिनांक 18/11/2019 से और एक्टिव में यस है। तो इस प्रकार से आपको विभाग का बंटवारा शिक्षक में कर देनी है। अभी मैंने आपके सामने इस शिक्षिका को विभाग का बंटवारा किया है। देखिए जैसे ही सर्च करेंगे तो उनके सामने भी इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए मैंने इनको MDM अटेंडेंस का विभाग दिया और एक्टिवेट हो रहा है 19/11/2019 के डेट में। तो साथियों इस प्रकार से आपको आपके विद्यालय के शिक्षकों को विभागों का बंटवारा ऑनलाइन करना है और जिस दिनांक से आप उनको विभाग का बंटवारा करेंगे उसी दिनांक से वह एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसकी संपूर्ण जवाबदारी उस टीचर की होगी जिस विभाग का वह प्रभारी है। इसके लिए गाइडलाइन राज्य से आ चुकी है कि स्कॉलरशिप जिस टीचर को आप देंगे प्रभार उसी की लॉगिन आईडी से ही छात्रवृत्ति पोर्टल में आप अपने संस्था से लॉगिन हो सकते हैं टीम में। चलिए उसके लिए मैं आपको वह गाइडलाइन बता रहा हूँ जो गाइडलाइन विद्यालय को भेजे गए हैं संबंधित स्कूल के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल में को लाइव सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। ये देखिए शिक्षकों, लॉगिन यूजर मैनुअल कि किस प्रकार से आपको उसको मैनुअल की जानकारी दी गई है, आपको किस प्रकार से आप उक्त जानकारी कर सकते हैं। इसको मैं PDF पे ओपन कर लेता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अच्छी तरह से जानकारी को समझ सकें। ये हमारे सामने यूजर मैनुअल ओपन हो चुका है, 4 पेज का है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप TeamT के माध्यम से ऑनलाइन छात्रवृत्ति का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, लॉगिन लॉगिन में लिखा गया है कि सबसे पहले आपको स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट https://schoolscholarship.cg.nic.in/fhome.asbx में जाना होगा। उसमें जाने के बाद आपको ये लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन को क्लिक करेंगे, आप टीम्स की वेबसाइट पर चले जाएंगे। इस प्रकार से जैसे ही आप टीम्स की वेबसाइट पर चले जाएंगे तो वहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। उसके द्वारा आप अपने स्कूल के संबंधित वेबसाइट पे चले जाएंगे टीम्स की, और उसके बाद आप छात्रवृत्ति की ऑनलाइन एंट्री आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात दी गई है दोस्तों, ये देखिए नोट करके, स्कूल लॉगिन के लिए वे शिक्षक जो टीम समय छात्रवृत्ति प्रभारी बनाए गए हैं, वे शिक्षक लॉगिन हेतु अपने द्वारा टीम समय बनाए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से आप शिक्षकों को मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद उनको आपको प्रभार सौंपनी है। जिस शिक्षक को आपने स्कॉलरशिप का प्रभार सौंपा है, उसी शिक्षक को ये टीम से लॉगिन में जाकर लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद छात्रवृत्ति की जानकारी ऑनलाइन एंट्री करनी है। छात्रवृत्ति की वेबसाइट में किस प्रकार लॉगिन होनी है और उनकी एंट्री किस प्रकार की जानी है, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।